पाली साहित्य में जो भगवान बुद्ध ने बोला या उसके बाद में जिन लोगों ने वो लिखा या उसकी अर्थ को लिखा या अपने अर्थ को लिखा या अपनी कथाओं को लिखा या गाथाओं को अपने हिसाब से लिखा, मगर पूरे पाली साहित्य में, पूरे बुद्ध के साहित्य में जो लिखा है उसमें एक बात बहुत प्रमुख है कि पूरे साहित्य में कहीं आज के समय जो जातियां चलती हैं, कास्ट सिस्टम चलता है भारत में, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ दो तरह के लोगों का जिक्र है, एक समण और एक वमण। समण यानी भारत के लोग जो काले होते थे, जो समण भी जिनको बोला जाता था, यानी कि सवर्ण, सवर्ण का मतलब है रंगीन लोग, जिनमें रंग था, जिनकी काया, जिनकी स्किन गोल्डन कलर की, सुनहरे कलर की, स्वर्ण यानी कि हिरण जैसे रंग की या गेहूं जैसे रंग की या उगते हुए सूरज जैसे रंग की या जो खेत में बाली होती हैं जब पकती हैं उस जैसे रंग की होती हैं, उसको पाली में सुवर्ण कहा है। बाद में इसको संस्कृत भाषा में सुवर्ण करके बोला गया है। और जिन मनुष्यों का रंग नहीं होता था, जिन व्यक्तियों का रंग नहीं होता था, सफेद होते थे, बिल्कुल रंगहीन होते थे, उनको बोलते अवर्ण। अवर्ण का बाद में संस्कृत करके अवर्ण बना। वर्ण माने जो पालिस में, पाली के अंदर होता है वो होता है रंग यानी कलर। कलर को वर्ण बोलते हैं, जैसे हरित वर्ण हरे रंग का, लोहित वर्ण यानी खून जैसे रंग का, श्वेत वर्ण यानी सफेद रंग का, कणह वर्ण यानी काले रंग का, या पीत वर्ण यानी पीले रंग का। तो रंग को वर्ण बोलते हैं और वर्ण को संस्कृत भाषा में वर्ण बोलते हैं। पूरे पाली साहित्य के अंदर दो नस्लों का जिक्र है, समण और वमण। तब तक ना कहीं शुद्ध का या शुद्ध का या शूद्र का जिक्र है, ना ही कहीं कोई क्षत्रिय का, क्योंकि खेती है तो सारे लोग थे ही। पाली के अंदर वैसे भी छह शब्द होता नहीं, पाली के अंदर श्रेय शब्द भी होता नहीं, क्योंकि शय नहीं होता। मुसावादा विर्मनि सिखा पदिंग स्मार।